प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। बाइबल में लिखा है कि तुम्हें मोल देकर खरीद लिया है। इसका मतलब प्रभु यीशु ने हमें खरीद लिया। तो प्रभु यीशु ने हमें किसके पास से ख़रीदा? क्या हम बिकाऊ चीज़ थी? और बिकाऊ चीज़ थे तो किसने हमको बेचने के लिए छोड़ा था? और प्रभु यीशु ने अपने लहू से हमें ख़रीदा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तो प्रभु यीशु ने ये कीमत किसको अदा की? किसने हमको बेचा? और प्रभु यीशु ने किसके पास से हमको ख़रीदा? क्या है इसके पीछे सच्चाई? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। जब आदम और हवा ने पाप किया और उन्होंने जो फल नहीं खाना था वो खा लिया, और मालूम है प्रभु यीशु कब आए? जब उन लोगों ने अंजीर के पत्ते के कपड़े बना दिए थे। और मैंने कई बार इस बात को मैंने समझाया कि ऐसे इंसान जिसने कभी कपड़े नहीं देखे, जिसको ये नहीं मालूम कपड़ा होता क्या है, जिसको ये नहीं मालूम सिलाई होती क्या है, तो ऐसा इंसान अगर खुद को ढकने के लिए अगर कपड़े बनाए तो कितना टाइम लगेगा उसको। और प्रभु यीशु उसके बाद आए, और जैसे ही पाप किया तुरंत प्रभु यीशु नहीं आए, ये बीच में कुछ गैप है। ये गैप क्यों था? जैसे ही परमेश्वर प्रभु ने स्वर्ग में से देखा कि आदम और हवा ने गुनाह किया, आदम और हवा ने पाप किया, और उनके अंदर शैतान आ भी चुका है, दुष्टात्मा उनके अंदर आ भी चुकी है। अब आदम आदम नहीं रहा, हवा हवा नहीं रही, अब दुष्टात्मा अंदर जीवन जिएगा। दुष्टात्मा जैसे चलाएगा वैसे आदम चलेगा, वैसे ही हवा अभी चलेगी। तो परमेश्वर ने सब कुछ देखा, इसलिए परमेश्वर तुरंत शैतान को बुलाया, ऊपर आ भाई, अपने स्वर्ग में बुलाया। ये बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन पूरी बात मैं बाइबल से ही साबित करूँगा कि परमेश्वर ने शैतान को अपने पास बुलाया। इधर ये क्या किया तूने? शैतान बोलता है कर दिया, मैंने कौन सी जबरदस्ती की, मैं सिर्फ बोला खा ले, नहीं मरेंगे, मैं तो भ्रम आया, खा लिया उन लोगों ने, मेरे दरवाजा खुला हो गया, मेरी दुष्टात्मा चले गई अंदर, अभी वो मेरे वश में है। शैतान बोला ठीक है, अब इसको छोड़ना है, आदम को भी छोड़ना है, हवा को भी छोड़ना है, अभी ये लोग शैतान के हो गए, अभी परमेश्वर के नहीं रहे, अभी लोग शैतान के हो गए, शैतान के वश में है, शैतान जो बोलेगा वही करने वाले। तो परमेश्वर बोलते इसको छोड़। बोले ऐसे कैसे छोड़ूंगा मैं? बोले क्या चाहिए तुझे, कीमत बता, सौदा करते, मुझे मेरे बच्चों को छुड़ाना है। कोई बात नहीं, सौदा कर लेते, मंजूर है। बोले मंजूर है। बोले क्या सौदा? तेरी जान, तू मर जा। शैतान ने प्रभु यीशु को बोला तू मर जा, तो मैं इनको छोड़ दूँ। अभी समझ लो एक बाप जिसका बेटा किडनैप हो चुका है, और किडनैप पर उस बाप को ऐसा बोलता है तू मर जा, तो मरने के बाद कैसे छोड़ेगा एक? और मर जाएगा तो फिर इसके विरुद्ध कार्रवाई करने वाला तो कोई रहा नहीं। शैतान यही बोलता है, तू बहुत प्रेम करता है ना अपने लोगों से, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता है, तेरे अंदर बहुत प्रेम है ना, मर जा इनके लिए, तो तेरी जान वो इन दोनों की कीमत है। हालेलुया। एक जबरदस्त सौदा हुआ, और मालूम है टाइम नहीं लगा प्रभु को बोलने के लिए, कोई बात नहीं जा, जैसे ही शैतान ने बोला तुझे मरना पड़ेगा, हाँ तैयार बोल अब। बोले ऐसे नहीं मरना है, शैतान भी बौखला गया होगा, तुरंत हाँ बोल दे, इतना प्रेम इसके अंदर, ऐसे नहीं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, एक एक बूंद निकालूंगा, कोड़े बरसाऊंगा, बोल क्रूस पर मारूंगा, बोल दोनों हाथों में खिल्ले ठुकवाऊंगा, बोल एक दिन में एक पल में, ऐसे नहीं मारने वाला मैं तुझे। प्रभु बोलते मंजूर जा,
यह है मेरे परमेश्वर का प्रेम। हम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने शैतान के साथ सौदा कर लिया। अब शैतान इंसान का भी मालिक था और परमेश्वर ने इंसान को जितनी चीज़ें दी थी सारी चीज़ों का मालिक भी शैतान बन चुका था। और उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उसका पहला अध्याय और उसका 28 वचन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को बनाकर पूरी धरती दे दी थी, बोले धरती भी तेरी, इसको वश कर, सारे पशु पंछी भी तेरे। ये सब किसका था? हम लोगों का, इंसान का था। अभी इंसान खुद ही शैतान के वश में चला गया तो सारी चीजें किसकी हो गई? शैतान की। सारी चीज, सारी धरती, पशु पंछी, सब कुछ शैतान का हो गया। शैतान ने सब कुछ छीन लिया। और लुका में लिखा भी है, लुका उसका 4 अध्याय उसका 5, 6 और 7 वचन पढ़ो। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। शैतान क्या बोलता है? सब कुछ मेरा है और जिसे चाहो मैं देता हूँ। किसने बनाई थी धरती? परमेश्वर बनाई थी। किसको दी थी? इंसानों को दी थी। और आज शैतान उसी सृजनहार को क्या बोल रहा है? ये मेरा है, मेरे वश में है, मैं जिसको चाहूँ उसको दे सकता हूँ। परमेश्वर के सामने बात कर रहा है, उसको मालूम है कीमत देने के लिए आ चुका है। बोले सब कुछ मेरा है। इतना ही नहीं, और आगे पढ़ते यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 30 वचन पढ़ो तो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु से खुद बोलते ही संसार का सरदार और शैतान आ रहा है। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि हाँ, शैतान ने सब कुछ छीन लिया है। अब धरती किसकी है? धरती का सरदार कौन है? शैतान है। प्रभु से खुद ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ, आप सब कुछ उसका है। फिर पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 19 वचन। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में, शैतान के वश में पड़ा है। शैतान ने पूरा कब्जा इंसान के ऊपर और सारी धरती के ऊपर, सारे पशु पंछी के ऊपर इसने कब्जा कर लिया था। अब शैतान इसका मालिक बन चुका था और परमेश्वर खुद इस बात को कबूल कर रहे कि हाँ, सब कुछ शैतान ने छीन लिया है। और मालूम है जो सौदा हुआ था, तू मर जाए तो सब कुछ वापस जाए, तू मर जाए तेरी जान की कीमत सौदा हुआ है। प्रभु उसने बोला कोई बात नहीं, और प्रभु उसने सभी की कीमत चुकाई अपनी जान से। कभी अपने घर वाले को पूछना कि मेरी कीमत क्या लगाते हो? झूठ तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन सही में आपको खरीदने के लिए अगर कोई आ गया ना 50 लाख, वो बोलो जा यार तू निकल कर लेंगे पैसे, कमाई कर लेंगे। और प्रभु सुनो, मालूम है आपकी कीमत क्या लगाई? जिनकी उनकी खुद की कीमत है, उनकी खुद की कीमत, वो कीमत उन्होंने आपकी लगाई। और मालूम है आप वो सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, आप अपने माता पिता को, भाई बहन को, पति को, पत्नी को मूल्यवान जानते हो। जिस परमेश्वर ने अपना जैसा मूल्यवान आप लोगों को समझा, उसी परमेश्वर का मूल्य आपको नहीं मालूम, उनका प्रेम आप नहीं समझ पा रहे। उनके अंदर इतना प्रेम था कि अपनी जान की कीमत लगाई आपके लिए, एक एक इंसान के लिए। और आप लोग परमेश्वर का मूल्य नहीं समझते, और उससे ज़्यादा आप अपने माता पिता को, भाई बहन को, उन लोगों को आप ज़्यादा मूल्यवान समझते। आप बिंदा से इनके लिए संगति बिंदा से छोड़ देते हो, प्रभु बोझ छोड़ देते हो, लहू छोड़ देते हो। आपको ये नहीं मालूम कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। आप बिंदा से किसी के लिए भी कुछ भी छोड़ देते हो, आप इन लोगों को ज़्यादा मूल्यवान समझते हो।
लेकिन प्रभु ने आपको खरीदने के लिए अपने लहू की कीमत चुकाई, अपने लहू की कीमत चुकाई। अब कैसे पता चलता है कि सही में सौदा लगा था? कैसे पता चलता है कि शैतान ने कोई कीमत मांगी थी? हम पढ़ते हैं पहला कुरंथी उसका अध्याय 6 और वचन 20। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। क्या लिखा है? दाम देकर तुम मोल लिए गए हो। कीमत दी ना परमेश्वर ने, किसने तो हमको बेचा? क्या औकात थी हमारे? देखो दुकान पर जाकर देखो, चॉकलेट का डिब्बा होता है, दुकान पर जाकर देखो कबाड़ मिलता है, दुकान पर जाकर देखो सब्जी बिकती है। ऐसे शैतान ने हमें एक बेचने की वस्तु समझकर बेचने के लिए रखा था। क्या कीमत हो सकती है उसकी? अब प्रभु ने क्या कीमत लगाई? अपनी जान की कीमत लगाई। कितना प्रेम हमारे प्रभु में, मोल देकर तुम्हें मोल लिया गया है। फिर आगे पढ़ते उसका 7वां अध्याय 23 वचन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। हमें खरीदा है परमेश्वर ने। तुम्हारी कीमत किसी ने मांगी थी और प्रभु उसने कीमत दी है। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 20वां अध्याय और उसका 28 वचन। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। किससे मोल लिया है? अपने लहू से। लहू जिसके अंदर प्राण होता है। अपना प्राण देकर तुम्हें खरीदा है। कितनी बड़ी कीमत हमारे परमेश्वर दिए। तीसरी बार पढ़ा ना, हमें खरीदा परमेश्वर ने। तो कोई बेचने वाला था ना, तो कौन बेचेगा? जिसके वश में हम चले गए थे, उस शैतान ने हमें बेचा और परमेश्वर ने अपनी कीमत चुकाई और लहू की कीमत चुकाकर, प्राण की कीमत चुकाकर हमें खरीदा है। फिर प्रकाशित वाक्य में लिखा है उसका 5वां अध्याय और उसका वचन 9। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरे कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, तूने लहू देकर मोल लिया है सभी को। कितनी बार पढ़ा हमने कि प्रभु उसने हमारी कीमत चुकाई। कितनी बड़ी कीमत! मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, आप सबसे ज़्यादा जिससे भी प्रेम करते हो ना, उसके लिए भी अपना प्राण नहीं देने वाला आप कभी, उसके लिए भी नहीं। हाँ बोलोगे सही, आसमान से तारे लेकर आओ, ये कर कराओ, वो कर कराओ, करने की बारी आएगी ना तब पतली गली ढूंढने वाले हो, कुछ नहीं कर पाओगे। और देखो हमारे परमेश्वर ने बोला ने, कर कर बताया, अपना प्राण देकर, अपना लहू देकर हमें खरीदा। कितना प्रेम हमारे प्रभु के अंदर है। और मालूम है वो क्या बोलते थे? एक वचन पढ़ते मत्ती 20 और उसका 28 वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। छुड़ौती मतलब मालूम है? कोई गुंडा मवाले जब किसी को किडनैप कर लेता है, किसी के बच्चे को किडनैप कर दिया और उसके बाप को फोन कर कर या चिट्ठी लेकर बोलता है कि इतने पैसे दे दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, वो जो बदले में पैसे मांगता है, पैसे दिए जाते हैं, उस पैसों को छुड़ौती बोलते हैं। तो शैतान हमको किडनैप कर कर रखा था ना, हम शैतान के वश में थे ना। शैतान ने छोड़ने की छुड़ौती मांगी और वो छुड़ौती थी प्रभु सुख का प्राण, प्रभु सुख का लहू। और आगे भी पढ़ते हैं मरकुस का 10वां अध्याय उसका 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। हाँ, स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु वो सेवा करवाने के लिए नहीं आए, करने के लिए आए और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आए। हमारी कीमत चुकाने हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच में आए थे। सोचो हमारे परमेश्वर के अंदर कितना प्रेम है, कितना प्रेम है कि अपने प्राणों से ज़्यादा
उन्होंने हमसे प्रेम किया, अपना प्राण उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया। जिस वक्त आप पश्चाताप करते हो और बपतिस्मा लेते हो, जैसे पत्रस ने कहा, तो बाइबल में एक वचन बीच में पढ़ लेते हैं, जो है गलत रोमन रोमिया उसका अध्याय 6:3-4 पढ़ो तो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, उन्होंने प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब होता है मैं डूबना। प्रभु यीशु की मौत प्रभु यीशु के लहू बहाने के कारण हो गई। उस लहू में प्राण होता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तब ये मत समझो कि हम ऐसे ही बपतिस्मा लेते हैं। हम प्रभु यीशु की मौत का बपतिस्मा लेते हैं। प्रभु यीशु की मौत में हम डूबते हैं और प्रभु यीशु की मौत लहू बहाने के कारण हुई, मतलब हम लहू में डूबकर बाहर निकलते हैं। तो इसलिए जब हम प्रभु यीशु का लहू, जो बहता लहू है, उसके अंदर डूबते हैं, तो जब वो पानी, जो नदी का एक पानी होता है, उस वक्त हमारे लिए प्रभु यीशु के लहू का काम करता है और प्रभु यीशु का लहू हमारे ऊपर आ जाता है। जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो पश्चाताप करते हुए, उस वक्त प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर आता है और आपके ऊपर आया मतलब आपकी कीमत अदा हो गई। आप खरीदे गए शैतान के हाथों से, अब प्रभु यीशु ने आपको खरीद लिया, आपकी कीमत अदा कर ली। अब शैतान को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अब शैतान छोड़कर चला गया।